हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले कि ओएसपीएफ का बेसिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से होता है। हालांकि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं जीएनएस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का कॉन्फिगरेशन है जो हम लोग पैकेज से पे करते थे। यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंट कमांड लाइन नहीं है, ओके। सेम कमांड है जो जो कि मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप टोपोलॉजी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है R1, R2 एंड R3 राउटर, तीनों राउटर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं R1 R2 को कनेक्ट है, R2 R3 को कनेक्ट है, और तीनों के ऊपर मैंने लूपबैक कॉन्फ़िगर किया है। लूपबैक 10 10 10 10, R1 के ऊपर 20 20 20 20, R2 के ऊपर 30 30 30 30, R3 के ऊपर ओके /32। सेकंड थिंग, जो इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर किया वो /8 है, क्लास ए का इंटरफेस। क्लास ए का आईपी एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया, यहाँ पे देख सकते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अगर मैं इस इंटरफेस को ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम एस। अगर मैं लुकबैक को ओपन करके देखता हूँ तो मुझे इस तरीके से देखने को मिलता है, ओके। सो यहाँ तक तो मुझे बात समझ में आती है। तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ ओएसपीएफ। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एरिया यूज करा, मैं सिंगल एरिया का कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ एरिया 0 के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कि एरिया 0 किस तरीके से कॉन्फिगर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं राउटर 1 के ऊपर जा रहा हूँ, राउटर ओएसपीएफ 100, ओके। ओएसपीएफ 100 में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 100 इज अ प्रोसेस आईडी जो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ। R2 और R3 के ऊपर भी मैं ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 100 ही यूज करूंगा। अगर आपको कमांड नहीं पता तो आप क्वेश्चन मार्क डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो राउटर ओएसपीएफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दो तो आपको पता चल जाएगा। टोटल 65,535 तक हम प्रोसेस आईडी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे R1 की नेबरशिप R2 के साथ करना है तो डेफिनेटली मुझे सेम ही प्रोसेस आईडी रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 और सामने में 200 रखता हूँ तो नेबरशिप हो नहीं पाएगी, ओके। तो ये रूल्स है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें याद होना चाहिए। एक्चुअली हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पता है तो बाकी सब चीजें तो आसान हो जाएगी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं ओएसपीएफ कॉन्फिगर करता हूँ तो ओएसपीएफ कॉन्फिगरेशन में अगर मुझे मैनुअली राउटर आईडी सेट करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो कमांड है राउटर आईडी, मैं लूपबैक को राउटर आईडी दे रहा हूँ। सो 10.10.10.10 इज माई राउट लूपबैक जो कि राउटर आईडी है, ओके। अदरवाइज मैंने आपको इलेक्शन प्रोसीजर बता ही दिया है कि ओएसपीएफ किस तरीके से अपने राउटर आईडी डिसाइड करता है, तो उसके बारे में भी आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, ओके। ठीक है, आई थिंक सो मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। मैं नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर डिटेल में बता दूंगा, ओके। तो राउटर आईडी यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। ओएसपीएफ ये बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग ओएसपीएफ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एरिया 0 में एडवर्टाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले नेटवर्क, जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज करता हूँ 1.0.0.0। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो ये पूछता है वाइल्ड कार्ड मास्क, ओके। वाइल्ड कार्ड मास्क मतलब सबनेट मास्क का उल्टा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क किस तरीके से कॉन्फ़िगर करूंगा, 0.255.255.255, ओके। दिस वन विल बिकम माय वाइल्ड कार्ड मास्क, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो ये बोलता है कि आपको कौन से एरिया में कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको एरिया मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया मैं एरिया 0 ही कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मैं उसको करूंगा। नेक्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी मैं लुकबैक को एज अ राउटर आईडी सिलेक्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लुकबैक को एडवर्टाइज करना चाहिए तो मुझे इस सिचुएशन में लुकबैक को भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट दिया है तो मैं यहाँ पे 0.0.0.0 एरिया 0 कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, नो ऑटो समरी वगैरह कुछ नहीं दे रहा अभी फिलहाल, वो तो चलेगा भी नहीं यहाँ पे। एग्जिट एग्जिट, ठीक है। अभी आप कॉन्फ्यूशन देख सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ्यूशन पाइप सेक्शन ओएसपीएफ। ये ऐसी छोटी छोटी कमांड्स है जो कि पैकेट रेसर पे नहीं चलती, इसलिए मैं हमेशा जीएनएस का यूज करता हूँ। तो जीएनएस एज कम्पेयर टू तो पैकेट रेसर काफी आसान है, और कैसा होता है कि नया नया जब जीएनएस रहेगा आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसके साथ यूज तो हो जाओगे और आपको ये पैकेट रेसर से भी और ज्यादा फन जीएनएस में आने वाला है, ओके। तो मैंने कुछ इस तरीके से कॉन्फ्यूशन किया है, 2 नेटवर्क को जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज किया एज वेल एज राउटर आईडी दे दिया। सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन R2, सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रोसीजर सेम फॉलो करना है, नेटवर्क डिफरेंट रहेंगे। राउटर ओएसपीएफ 100, प्रोसेस आईडी सेम, राउटर आईडी इसको भी लुकबैक को एडवर्टाइज कर रहा हूं मैं। ओके
next 1.000. Okay, area 0. Second network, देखो मुझे कुछ logs दिख रहे हैं, ठीक है? तो अभी क्या होता है, OSF is a routing protocol जहाँ पे हम logs देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे OSF process ID है 100, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि अभी R2 की neighborship हुई है 10.10.10.10, जो कि है R1 का loopback. ऐसा router ID हम लोगों ने decide किया था और उसको configure भी किया, ठीक है? तो उसके बाद जो OSF के stages थी, state थे OSF, down, init, extract, extend, all state, तो वो अभी full हो गए, ठीक है? तो loading is complete, मतलब neighborship done हो गई, okay? तो यहाँ तक तो मेरा configuration हो गया. अभी मैं जा रहा हूँ R3 के ऊपर configure करने. तो R3 का भी configuration काफी simple है, ठीक है? काफी लोग show IP interface beep करके भी कर सकते configuration. Router OSF 100 राउटर आईडी, नेटवर्क को एडवर्टाइज करो, उसके बाद एरिया 0, ये ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पे 2 का नेटवर्क है, ओके? गलती से मैं 3 दे रहा था, एरिया 0, ओके? सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि मैंने बताया कि अगर कमांड लाइन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन मार्क डाल के चेक कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे भी हमें एक लॉग जनरेट हुआ है, ठीक है? तो इसने बोला कि आपकी नेबरशिप 2020 2020, जो कि R2 का राउटर आईडी आपने सिलेक्ट किया है, उसके साथ हो गई है. इसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दिया. सेम थिंग अगर मैं R2 के ऊपर जाके चेक करता हूँ तो R2 के पास भी एक लॉग जनरेट हो गया. वो बोलता है कि आपकी नेबरशिप 30.30.30.30, जो R3 राउटर है उसका राउटर आईडी है, उसके साथ हो गई है, ठीक है? तो BGP राउटिंग टेबल में, अगर मैं BGP राउटिंग टेबल की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं गलती से क्लोज हो गया R2, ओके? अगर मैं BGP राउटिंग टेबल की बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि राउटिंग टेबल, जो कि हम सभी राउटिंग प्रोटोकॉल में देखते हैं, शो IP राउट, ठीक है? अगर मैं OSPF देखता हूँ यहाँ पे, O stands for the OSPF, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो O stands for the OSPF. अगर मेरे को कोई राउट OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल में दिखता है तो वो हमेशा उसका कोड O नाम से इंडिकेट करेगा, ठीक है? अगर मुझे ओनली OSPF के राउट देखना है तो मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ, शो IP राउट OSPF. तो मुझे ओनली राउट जो कि OSPF में है वही देख सकते हैं, मतलब ये प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न हो रहे हैं, ओके? अगर किसी ने मुझे पूछा कि OSPF की नेबरशिप देखना है तो उसके लिए कमांड है शो IP OSPF नेबर, ठीक है? तो IP OSPF नेबर, इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा नेबर कौन है. उसके बाद यहाँ पे DR एंड BDR का इलेक्शन होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. हमेशा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ही DR एंड BDR का इलेक्शन होता है, जो कि इन फ्यूचर में प्रैक्टिकल करने वाला हूँ उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कमांड इज शो IP OSPF नेबर एंड नेक्स्ट वन इज शो IP OSPF डेटाबेस. डेटाबेस विल गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द LSA मींस लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ओके? OSPF के अंदर काफी सारे LSA है. हम लोग LSA मोस्ट ऑफ द केसेस में LSA में CCNP पार्ट में पढ़ाता हूँ. इन फ्यूचर में CCNP के भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं LSA और बेटर तरीके से डिस्क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है? उसके बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा. तो फिलहाल के इस प्रैक्टिकल में आपको ये समझना है कि मुझे OSPF का नेबरशिप किस तरीके से करना है, OSPF बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है, और ट्रबल शूटिंग कमांड्स में आपको अगर नेबरशिप नहीं होती तो आपको चेक करना पड़ेगा अपने OSPF का प्रोसेस आईडी प्रॉपर दिया है कि नहीं, उसके बाद राउटर आईडी प्रॉपर दिया है कि नहीं, और स्पेशली नेटवर्क एडवर्टाइज प्रॉपर किया है कि नहीं, ओके? OSPF इज ए इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.0.0.0. तो अगर मैं यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली एडवर्टाइज करता हूँ, लाइक वाइल्ड कार्ड मास्क की जगह सबनेट मास्क डाल देता हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हो कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये रिमूव कर देता हूँ मैं, ओके? अभी नेटवर्क 1.0.0.0, देखो नेबरशिप डाउन होगी 255.0.0.0 एरिया 0, ओके? मैंने नॉर्मली एडवर्टाइज किया, देखो अभी, ठीक है? लेकिन नेबरशिप फिर से अप होगी, ओके? जैसे कि मैंने बताया OSPF इज इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल, बहुत इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है, लेकिन उसने क्या किया, जैसे मैंने कमांड डाला था वैसा नहीं लिया है, ठीक है? मैंने तो एडवर्टाइज किया था सबनेट मास्क, तो उसने एज पर द कैलकुलेशन, उसको तो पता है कि मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क में कैलकुलेट करना है, तो उसने ऑटोमेटिकली वाइल्ड कार्ड मास्क में कैलकुलेट किया, ठीक है? मैं इसलिए आपको ये दिखाया क्योंकि काफी सारे लोग सबनेट मास्क डालते हैं, बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि वहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क डालना पड़ता है, अगर किसी ने आपको गलती से इंटरव्यू में पूछ लिया, ठीक है?
कि अगर आप ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हो तो नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए क्या क्या कमांड है, तो आप बताओगे नेटवर्क, उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, सबनेट मास्क एंड एरिया जीरो, तो वो आपको वहां से ही भगा देगा। वो बोलेगा कि अगर आप ओएसपीएफ कॉन्फिगर करते हो, जब आप नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो तो नेटवर्क, उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क डालते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो ये ओएसपीएफ 100 दिख रहा है, 100 इज अ प्रोसेस आईडी, इसको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मत बोलो। ओके, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इज अ पार्ट ऑफ द ईआईडीपी राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसका यूज यहाँ पे नहीं होता है। हालांकि दोनों सेम, मतलब उसका फीचर ऑलमोस्ट सेम ही है, बट EIGRP की बात करते हैं तो दैट इज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और OSPF की बात करते हैं तो ये होता है हमारा प्रोसेस आईडी। नेक्स्ट थिंग, जब मैं शो आईपी राउट चलाता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है, यहाँ पे उसका हम लोगों को दिखता है AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। सो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल का AD वैल्यू है 110। ओके, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये मैट्रिक है, मैट्रिक के बारे में छोड़ दो, वो बाद में पढ़ेंगे। तो OSPF का मैट्रिक AD वैल्यू इज 110। अगर OSPF के अंदर कोई राउट रिडिस्ट्रीब्यूट होके भी आते हैं तो भी वो हमेशा 110 नाम से ही दिखेंगे, 110 नंबर से ही दिखेंगे, कोई अनदर नंबर से नहीं दिखेगा। ओके, अगर लेकिन EIGRP की बात करते हैं तो EIGRP में दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस थे, करेक्ट, एक 90 और 170। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सेम एज R2 के ऊपर चेक करते हैं, शो IP OSPF नेबर, यहाँ पे दो नेबर दिख रहे हैं। सेम एज यहाँ पे DRBDR रिलेशन नेबर है, बिकॉज नॉट अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ओके, सीरियल का इन्फॉर्मेशन मिलता है, आईपी एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, उसके बाद नेबर का इन्फॉर्मेशन मिलता है। सेम एज R3 के ऊपर अगर जाके मैं चेक करता हूँ R3 के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल नेबर है, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, देख सकते हैं। करेक्ट, शो आईपी राउट चलाओगे तो आपको OSPF का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टाइज होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक OSPF का कॉन्फिगरेशन करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ चीजें आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आज का सेशन यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।